मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज भी प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती है। यहां बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पेड़ों पर पलाश के फूलों की बहार आने शुरू हो जाती है, जिससे यहां के ग्रामीण प्राकृतिक रंग तैयार कर पारंपरिक ढंग से होली मनाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा गांव के आसपास लोग होली पर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं। जंगल से पलाश के फूलों को इकट्ठा कर इसे रंग बनाने की शुरुआत घरों में होने लगी। ग्रामीण पलाश के फूलों को जंगलों में जाकर के जमा करते हैं और फिर उससे रंग बनाने में मशगूल है। होली से पहले गांव के लोग जंगल जाते हैं, जंगल में पलाश के पेड़ों से फूल तोड़ते हैं, एक जगह उसे इकट्ठा करते हैं और फिर घर में ला करके फूलों को सिलवट पर पीसते हैं। घर की महिलाओं के सहयोग से पलाश के फूलों को सुखाया जाता है। फूल सूखने के बाद उसे हड़िया में डालकर गर्म पानी में खौलाया जाता है, जिससे कि पक्का रंग तैयार हो जाता है और फिर ये प्राकृतिक होली जबरदस्त तरीके से खेली जाती है। पलाश का फूल है जो जंगल में मिलता है और इससे रंग बनाते हैं, इसको उबालते हैं, तोड़ के लाते हैं। जितने भी दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ जाते हैं, यानी कि होली पहुंचने से पहले ही हम लोग लग जाते हैं, एक सप्ताह पहले ही सब चले जाते हैं और इसको तोड़ के लाते हैं, सुखाते हैं, उबालते हैं और बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कलर लाता है और बहुत ही रंगोली की रंग का बहुत अच्छा मजा आता है। सब बनाते हैं, सब खेलते हैं और खास करके अभी कोरोना वायरस के कारण में इसमें ना ही नुकसान ना ही मिलावट कुछ भी होता है, खुद से अपने हाथों से बनाते हैं। प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक तरीके की ये होली एक संदेश भी देती है। संदेश देती है पर्यावरण बचाने का, संदेश देती है हमारी मजबूत संस्कृति का, और संदेश देती है कैसे होली में गीले शिकवे सब प्रकृति के रंग में उड़ जाते हैं। प्रकृति से हम लोग खेलते आते हैं, बाप दादा से चलता है, इसको रंग बना के हम लोग खेलते हैं, इसमें कोई तरह का नुकसान नहीं है। इसी परस का फुलवे से बनाएंगे, बहुत अच्छा लाइट देखे हैं और बना के अभी तुरंत इसमें हम लोग पैसा नहीं लगता है। इसमें पैसा नहीं, अपने गांव और उसमें सामने सामने है सब, इससे अच्छा ही रंग आता है तो कहा इसी को हम बना के खेलेंगे। इस होली का असली आनंद तो गांवों में ही मिलता है, तभी तो सदियों पुरानी पलाश के फूलों से होली खेलने की परंपरा आज भी जीवित। नेमरा गाँव के लोग तो इसे जीवित रखे हुए हैं। गोला से न्यूज 11 भारत के लिए प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट।